भाई प्लीज यार चालू हो जा। My PC has stopped working. How am I gonna make my future videos now? Hey guys, welcome back to yet another episode of the Indian Filmmaker and I hope you guys are doing absolutely fine and मेरे जैसी हालत नहीं हुई है आप लोगों की इस क्वारंटीन पीरियड में। तो मेरा कंप्यूटर के बारे में इट्स अ काइंड ऑफ अ सैड टॉपिक। तो पहले आप PTS देख लो जो मैंने लकीली लास्ट वीडियो के टाइम पे ही शूट कर लिया था। सो मैंने सोचा है कि अभी ये लाइट को है ना थोड़ा साइड वेज दू क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे to give a backlight and stuff. तो backlight का काम I think मेरा ट्यूब लाइट कर लेगा, नहीं करेगा एक्चुअली, मैं अपने आप को ऐसे दिलासा दे रहा हूँ। बहुत टफ है बिकॉज ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, अगर मैं आगे आ जाता हूँ तो मेरा हेड कट हो रहा है फ्रॉम द क्रोमा एज वेल एंड सीन हो रहा है। इट कैन नॉट बी डन, नो 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 नो। अभी ये साइड वेज जो आ रही है लाइट इसका कुछ करना पड़ेगा। तो अभी मेरी ये शैडो मुझे नहीं चाहिए, शैडो नहीं चाहिए तो अभी आई गेस एक डिफ्यूजर डाल देता हूँ। अभी दिस इज द रिफ्लेक्टर विच आई गॉट, आप सबको पता होगा बट ये यूजुअल साइज से थोड़ा बड़ा वाला है। इसके अंदर एक डिफ्यूजर भी मिलता है हमको विच इज क्वाइट नाइस। लेट्स सी व्हाट इफेक्ट वी गेट। लेफ्ट हैंड की शैडो आ गई, ओके। अभी ये ग्रीन टी शर्ट ग्रीन क्रोमा बैकड्रॉप पे नहीं चलने वाला है, सो लेट्स चेंज इट। सो द प्रॉब्लम इज ये बार बार गिर रहा है। प्लीज स्टे मैन। यप, लाइट्स ऑन करते हैं। वी डन मैन। सो दिस इज ऑल द स्ट्रगल यू नीड टू गो व्हेन यू आर अलोन। मुझे पसंद है वैसे, I'm getting used to it. Exposure, I hope, just correct hai. Tube light ek bar band karke dekhte hain. That shit does not look good. Thoda sa hi farak pad raha hai, zyada nahi. So, maine apna camera yahan pe set up kar diya hai. Yahan pe nahi actually. Yahan pe. Let's go. Stop with the episode. I just hope this lighting is perfect and it works. Wo actually, main wahan pe dekh raha hu kyunki maine wahan pe apna phone ko mount kiya hua hai. It's funny how I am doing my setup. Audio ek bar check kar lete boss. Hissing sound aa raha hai. Baj gaye. Yahi hai mere phone ki screen jisko agar main thodi si bhi nazdeek isko rakh raha hu na abhi to isme ek hissing sound aa raha hai yaar. This is very annoying. Yahan pe rakh dete isko. So abhi achanak se mera jo computer hai kal raat ko maine video upload kiya and uske baad like it crashed twice, not once but twice. Complete shutdown and nothing and मेरा एक SSD जो है that's gone, completely gone, all the data is gone. So अभी मैं अपने computer को repair कर रहा हूँ यहाँ पर खुद से ही and मैंने एक warranty जो रहती है graphic card की वो भी मैंने void कर दिया because of this. ये seal होता है and this is a screw, तो उसको खुद से खोलना नहीं होता है एंड मैंने कर दिया है बिकॉज आई डोंट रियली केयर नाउ बिकॉज मुझे और ज़्यादा कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए एंड आई हैव लाइक नो क्लू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर नाउ कि ये क्यों हो रहा है। नाउ आई एम सर्विसिंग माय एंटायर कंप्यूटर ऑन माय ओन एंड ये करना पड़ता है गाइस बिकॉज यू गॉट टू लर्न एवरीथिंग टू सर्वाइव ऑन योर ओन। अभी मैं आपको एक क्लोजर लुक दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। So this is how it looks and that's the main processor of the GPU and this is the thermal compound. As it is completely dry, abhi isko pura isopropyl alcohol se main isko pehle tissue paper ke sath isko nikal dunga
एंड देन आई विल अप्लाई अ न्यू वन टू इट. मे बी दिस वॉज द थिंग विच वॉज कॉजिंग ट्रबल. क्योंकि मैंने जब से ये कार्ड लिया इट हैज़ बीन 2 years ऑलमोस्ट एंड मैंने इसका कभी थर्मल कंपाउंड चेंज नहीं किया है एंड दैट माइट बी द रीज़न वाई इट इज़ क्रैशिंग. बिकॉज मैं नॉर्मल जस्ट अपने कंप्यूटर में यूट्यूब पे भी अगर सर्फ करूँ कुछ भी या फिर जस्ट गूगल क्रोम भी ओपन कर रहा हूँ विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ द स्टार्टअप टाइम मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया 2 बार कल एंड आई डोंट नो व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम. मैंने वो दिन सर्विस किया था अपना हर एक चीज़ बट आई हैव टू अगेन डू इट. दैट्स वन ऑफ माई एस एस डीज हियर एंड वन ऑफ द एस एस डीज इज इन साइड देयर एंड दैट्स माई कूलर. दोज आर द फैंस एंड दिस कूलर इज लाइक रियली अमेजिंग. ये देखो यू कैन सी मी इन दैट. सो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. एक तो इतनी गर्मी होती है फैन बंद रखना पड़ता है. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट वेयरिंग टी शर्ट. तो कॉमेंट करो मत कि टी शर्ट पहन एंड स्टफ. एंड मैंने बहुत पहले ये वाला सवाल पूछा था इज इट जस्ट मी और इवन यू गाइस जस्ट सिट नेकेड एट योर होम. मैंने नीचे भी कुछ नहीं पहना है अपार्ट फ्रॉम माई बॉक्सर्स तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा. The worst thing that can happen to a content creator during this lockdown quarantine period is ki un log ki machine jo edit machine hai wo hi band ho jaye and like still nothing. I was like ki abhi mera graphic card bhi chale gaya hai. Mujhe aankhon ke samne literally dikh raha tha ki yaar main abhi aage ke videos kaise banaunga and that was a really sad moment for me. Like pura ki yaar nothing can stop me but ek time aisa aa gaya tha कुछ भी कर रहा हूँ मैं कुछ हो ही नहीं रहा है एंड दिस थिंग इज़ केपेबल इनफ ऑफ स्टॉपिंग मी. मुझे ऐसे ही लगने लग गया कि यार यही हो सकता है अभी. हाउ विल आई ट्रांसफर माई डेटा एंड स्टाफ. एटलीस्ट मैं भीरू को भेजूँ एंड वो एडिट करेगा. ऐसे सब भी थॉट्स आ रहे थे एंड वो नहीं हो पा रहा था. बट लकीली मी एंड माई मॉम वी जस्ट केप्ट गोइंग. माई मॉम वॉज देयर बिसाइड मी. शी वॉज सपोर्टिव एंड आई लव हर फॉर दैट. Because she did not give up. Even I was giving up, she did not give up and she gave me the hope ki yaar things will be better. Just you stick to it, you just continue doing what you're doing and it will work finally. And then I discovered ki sab kuch maine kar liya theek se and I thought that ki abhi chalu ho jayega and then mujhe pata chala ki mera PC ka start button jo hai wo hi kharab ho chuka hai and there's nothing that I can do now. तो मुझे ऐसा सब थॉट्स आ रहा था कि नया पीसी खरीदते लेट्स अपग्रेड डायरेक्टली एंड स्टाफ. बट कैसे मैनेज करूँगा, कैसे लाऊँगा उतने सारे पैसे एंड स्टाफ, बहुत सारी चीज़ें. एंड देन मैंने भीरू को पूछा कि इज़ देयर अ वे टू स्टार्ट दिस थिंग विदाउट द स्टार्ट बटन. बिकॉज इसका स्टार्ट बटन यहाँ पे नहीं मिलता है. लैमिंगटन रोड पे देयर इज़ अ शॉप, स्पेसिफिकली वही शॉप में उसका स्टार्ट बटन मिलता है बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल NZXT स्टोर. तो मैंने सोचा कि यार अभी इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू गो देयर एंड गेट दैट पार्ट बिकॉज नहीं है शॉप्स चालू. एंड लकीली मुझे वो 18 मई से जो एक टाइम टेबल था वो मिला एंड आई थॉट कि यार अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स और ये सब चालू तो हो जाएगा देन. एंड आई एम लकी इनफ कि यार आई कैन गो देयर एंड बाय दैट पार्ट इफ आई वॉन्ट टू. बट एक्चुअली वैसा भी नहीं हुआ है अभी तक एंड आई डोंट नो वो शॉप्स चल रहे कि नहीं. बट मैंने एक जुगाड़ तरीका ढूंढ के निकाला. मुझे भीरू ने बोला कि देर इज़ सम वे कि मदरबोर्ड के अंदर कुछ तो हम लोग करेंगे ना तो उससे कंप्यूटर चालू हो जाता है विदाउट द स्टार्ट बटन. तो आई वॉज लाइक कि ग्रेट, चलो गूगल करते हैं. आई गूगल डिट एंड आई फाउंड अ वे फाइनली कि इसको कैसे करते. तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर है एंड इट हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग एंड स्टफ. तो पहले तो इसको खोलना पड़ेगा मुझे. अभी बटन आने तक मुझे ऐसे ही चालू करना पड़ेगा. सो अभी ये चीज़ है, दिस इज़ अ नॉर्मल ऑर्डिनरी स्क्रू ड्राइवर जो लकीली पड़ा हुआ था यहाँ पे. एंड अभी मदरबोर्ड के अंदर देर आर टू वायर्स. एक्चुअली वायर्स नहीं, वो सर्किट में है मदरबोर्ड के विच आर द पावर स्विच का सर्किट. आई डोंट नो वॉट वी कॉल इट. इस स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इस पूरे कंप्यूटर को जंप स्टार्ट करवा सकते हैं. जैसे कि मूवीज़ में हम लोग देखते हैं ना,
चोर लोग गाड़ी को जंप स्टार्ट करवाते ऐसे हॉट वायर करके तो गाड़ी चालू हो जाती है. इट्स दैट काइंड ऑफ अ टेक्निक. एंड इस स्क्रू ड्राइवर से सिर्फ उन दोनों पॉइंट्स को टच करना होता है. इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी क्योंकि बहुत अंदर है वो. हाँ इट्स वेरी ट्रिकी एक्चुअली. Yeah, it works. Yup. That's the sound which makes me really happy. तो अभी कहानी कुछ ऐसी है अपनी. कंप्यूटर तो हम लोग ने चालू कर दिया है. मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत गई है इसको चालू करने में. एंड उस दिन जब ये चालू हुआ ना, I was like कि I am so grateful, literally grateful for this universe to teach me all the lessons in my life. Because it was a very negative thing that happened to me. I felt कि यार इतनी सारी चीज़ें हो रही है, एक तो कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग, बाहर नहीं जा पा रहे anything. And I'm trying to make content at my house जितना हो सके मेरे से creative contribution. So इसमें भी ऐसी problems. तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि external factors should not affect you and take away your happiness, guys. Just stick to whatever you're doing and you guys will be successful. That is what I learned from all of this. So I guess that's it for this week's video, guys. If you enjoyed watching this video, then please make sure that you hit that like button, share this video with your friends and subscribe to the Indian Filmmaker and press that bell icon right there, because I'm not going to be disappointing you guys at all. And I'll see you guys in the next one. Escape the Ordinary. गाइज अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनने मत भूलना एंड सोशल डिस्टेंसिंग करना.